Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapi. So dear student, जैसा कि हमारा chapter 5 state of matter चल रहा है, आज part 5 means lecture 5 में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें numerical part है. Before this मैं आपको remind करा दूं lecture 4 के about. तो lecture 4 में हमने इस chapter के जो point पर हमारा discussion चला था, वो आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड यूनिट ऑफ इनवर्सल गैस कांस्टेंट आर. और आज उसी आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग करने वाले हैं इस पार्ट में. तो स्टूडेंट बात करते हैं पहले एक्सरसाइज के 5.3 से. एक्सरसाइज के 5.3 से जाएं तो यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द स्टेट पी वी इक्वल टू एन आर टी सो दैट एट गिवन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. मीन्स हमें आइडियल गैस इक्वेशन यूटिलाइज करके हमें ये बताना है किसी भी गैस की डेंसिटी जो होती है उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो इस टर्म को यूटिलाइज करके ये प्रूव करना है. तो इसके लिए हम जाएंगे किससे पहले पॉइंट्स को. अगर हम इस पॉइंट को देखें तो राइट करेंगे फ्रॉम जो आंसर इसका राइट करेंगे तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जहाँ पे पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है गिवन गैस का, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, आर और टी टेम्परेचर है. इस इक्वेशन में स्टूडेंट अगर हम क्या करें तो मोल इज इक्वल टू होता है मास अपॉन इट्स मोलर मास. मीन्स उस गिवन गैस का ग्राम मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल टू मोल. और इस वैल्यू को इस इक्वेशन पुट करूं मैं तो पी इज इक्वल टू एम आर टी बाई क्या हो जाएगा एम बी. एंड देन देखें आप और तो वेयर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब इस डी की वैल्यू को पुट करेंगे एम बाई वी मतलब डी हो गया. तो पी इज इक्वल टू हम राइट करेंगे डी आर टी बाई व्हाट इज दिस एम और आइदर डी इज इक्वल टू हम राइट करेंगे यहां पर क्या डी इज इक्वल टू अगर इस पॉइंट को राइट करें साइड ले लें तो पी एम बाई आर टी. और मैं यहां पर पॉइंट्स ये राइट किया हमने और मैं राइट करूंगा कि नाउ के डैस इज इक्वल टू एम बाई आर टी. हमने क्या किया एम बाई आर टी को एक न्यू कांस्टेंट कंसीडर कर लिया दैट इज कंसीडर के डैस और देन डी इज इक्वल टू हमें मिलेगा के डैस पी वे के डैश इज ए प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंट. जहां पर के डैश की बात करें तो एक प्रपोर्शनल कॉन्स्टेंट है. तो स्टूडेंट डी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू पी दैट्स ऑल. सो हमें इस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी को यूटिलाइज करके हमें प्रूव करना था कि किसी भी गैस की डेंसिटी उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो बाय दिस वे हम इसको प्रूव कर सकते हैं. स्टूडेंट आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर एक्सरसाइज का 5.4. अगर हम 5.4 को देखें और केयरफुली वन आर टू टाइम रीड करेंगे स्टूडेंट क्या पॉइंट है. एट जीरो डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ द सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस एट टू बार इज द सेम एज द दैट ऑफ एन टू एट फाइव बार. सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड क्या मेंशन कर रहे हैं. एक अननोन ऑक्साइड है किसी एलिमेंट का ऑक्साइड है जिसकी डेंसिटी टू बार पर जो है वही डेंसिटी नाइट्रोजन कितने पे दिखा रहा है फाइव बार पे. तो नाइट्रोजन का मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इस अननोन गैस का मोलर मास क्या होगा. उस अननोन गैस के मोलर मास जो ऑक्साइड का उसे फाइंड आउट करना स्टूडेंट. सो इसके सॉल्यूशन की बात करूं मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर क्या करना होगा दो गैसों को मेंशन करना है.
एक है N2 गैस और एक हमने कंसिडर कर लिया वो अननोन गैस जिसका जिक्र चल रहा है। अननोन गैस की डेंसिटी हम लिखेंगे डी अननोन और इसका राइट करेंगे क्या DN2। अननोन गैस का जो प्रेशर है पी अननोन वो है 2 bar। नाइट्रोजन गैस का प्रेशर है कितना 5 bar। नाइट्रोजन गैस का मोलर मास MN2 इज 14 × 2 इज इक्वल टू 28 g/mol। मोलर मास ऑफ अननोन गैस हमें फाइंड आउट करना है एंड टेम्परेचर दोनों के लिए कॉमन है मीन्स टी इज इक्वल टू 0°C। ऐसे में हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है तो हम जाएंगे किसके अकॉर्डिंग, हम राइट करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से जाए तो पी वी इज इक्वल टू क्या होगा MRT/m। अगर ये इक्वेशन दोनों के लिए राइट करें तो पी अनोन वी राइट MRT/m अनोन एंड देन सेकेंड थिंग जाएंगे आप बात करें तो नाइट्रोजन के लिए राइट करेंगे PN2 इज इक्वल टू MRT/m अनोन। अब दोनों में MRT/m ये कैंसिल कर दिया हमने, दोनों के लिए कॉमन रख लिया एंड देन पी अनोन इंटू मास ऑफ मोलर मास ऑफ अनोन दिस इंटू दिस इज इक्वल टू PN2 इंटू मोलर मास ऑफ N2। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट मोलर मास ऑफ अननोन गैस, तो मोलर मास ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू एम अनोन इज इक्वल टू PN2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 डिवाइडेड बाई पी अनोन इज इक्वल टू। अब PN2 की वैल्यू, PN2 प्रेशर जो इसका है कितना दिया है 5 bar, मोलर मास है 28 और डिवाइडेड बाई पी अनोन गैस का 2 bar, तो दैट्स क्लियर है 40 यहाँ पर पॉइंट्स हो गया एंड 14 28 को डिवाइड किया बाय 2 एंड देन 14 × 5 70 g/mol RMU दैट इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट ये हो गए एक्सरसाइज के 5.3 एंड 5.4। सो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं एक्सरसाइज की चैप्टर 5 के 5.5 एंड 5.6। तो 5.5 न्यूमेरिकल को देखें, प्रेशर ऑफ 1 g ऑफ एन आइडियल गैस ए एट 27°C इज फाउंड टू बी 2 bar व्हेन 2 g of another ideal gas B is introduced in the same flask at same temperature, the pressure become 3 bar. So find the relationship between their molar mass. हमें इन दोनों गैसों के मोलर मास में रिलेशन फाइंड आउट करना है, न्यूमेरिकल क्या करना है स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस पर फोकस करना है, इन दोनों गैसों को हम फिलअप कहाँ कर रहे हैं। सपोज दैट ये वो वेसल है जिसका वॉल्यूम वी लीटर है, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों के लिए, यहाँ पर देखा जाए तो कितना है टेम्परेचर है 27°C, वॉल्यूम कॉमन है दोनों के लिए। अब इसमें दो गैसें फिलअप की गई हैं, एक गैस फिलअप की गई है प्रेशर ऑफ 1 g ऑफ आइडियल गैस सी मीन्स पी ए, ये गैस ए हो गई और इधर हमने मेंशन कर दिया गैस बी। गैस ए का प्रेशर 2 bar है इस वेसल में, जब इसका मास हम कितना ग्राम फिलअप कर रहे हैं 1 g। इसी वेसल के अंदर
हम एक और आइडियल गैस बी को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और जब इसको इंट्रो करा रहे हैं इसके अंदर, और कितना करा रहे हैं हम इसके 2 ग्राम, मतलब एमवी का मास है 2 ग्राम, 2 ग्राम सेकेंड गैस को इंटर करा रहे हैं। क्लियर? कराने के बाद इसका प्रेशर जो हो जाता है वेसल का पीबी, वो टोटल हो जाता है 3 बार, टोटल हो जाता है 3 बार, मींस पहले से ही 2 बार था, मतलब 1 ग्राम का 2 बार था, 2 ग्राम ऐड किया, टोटल प्रेशर 3 बार हो गया, मींस बी गैस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर कितना है 1 बार। एंड देन आफ्टर हमें दोनों के मास और प्रेशर मिल गए। तो दोनों आइडियल गैस है, और यहाँ पर हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन एम ए एंड एम बी, मतलब हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ एम ए एंड एम बी, ये हमारा वैल्यू जो फाइंड करना है। सो दोनों गैस के लिए राइट करेंगे हम फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन जाए तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी बाई एम। पहले ए गैस के लिए राइट करेंगे फॉर गैस ए पी ए वी इज इक्वल टू एम ए आर टी बाई एम ए। फॉर गैस भी यही पॉइंट्स राइट करेंगे, गैस बी के इक्वेशन में राइट करेंगे पी बी इज इक्वल टू एम बी आर टी बाई एम बी। दोनों में आर टी देखा जाए तो सिमिलर है, दोनों के लिए टेम्परेचर वॉल्यूम भी सिमिलर है, तो मैं यहाँ से पी बी वी आर टी बाई वी कैंसिल कर देते हैं और रिलेशन फाइंड करते हैं। तो एम ए इज इक्वल टू यहाँ पर होगा इट्स मास अपॉन इट्स प्रेशर, और दूसरा रिलेशन मिलेगा यहाँ पर एम बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन पी बी। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो फाइंड करने की बात करें आप, तो एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू राइट करें तो एम ए बाई पी ए है, और ये है एम बी बाई पी बी। पी बी ऊपर जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, एम ए इंटू पी बी डिवाइडेड बाई पी ए इंटू एम बी। अब सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, सो स्टूडेंट सारी वैल्यू पुट करें आप तो मिलेगा क्या, एम ए मोलर मास ऑफ ए गैस अपॉन मोलर मास ऑफ बी गैस इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू, एम ए का वैल्यू है 2, एम ए का वैल्यू है 1, और पी बी भी 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, मीन्स एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1/4। और आइदर हम यहाँ राइट कर सकते हैं इस वैल्यू को क्या, मीन्स एम बी इज इक्वल टू 4 एम ए, मतलब एम बी का मास एम ए के मास से 4 टाइम है। और आइदर हम राइट कर सकते हैं एम ए रेस टू एम बी इज इक्वल टू 1:4, दैट्स ऑल। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया अबाउट द न्यूमेरिकल नंबर 5.5। सो वंस अगेन रिमाइंड करा दूं मैं स्टूडेंट, प्रेशर ऑफ 1 ग्राम आइडियल गैस क्या बताया जा रहा है कि 1 ग्राम आइडियल गैस को हमने एक वेसल फिलअप किया जिसका प्रेशर कितना है 2 बार है, जब उसी वेसल के अंदर सेकेंड आइडियल गैस बी को इंट्रो करा रहे हैं उसके 2 ग्राम को, तो प्रेशर टोटल वेसल का बढ़ के हो रहा है कितना 3 बार। तो पहले से 2 बार प्रेशर था तो टोटल प्रेशर 3 बार हुआ, मतलब बी का 2 ग्राम ऐड करने के बाद प्रेशर कितना बढ़ा सिर्फ 1 बार। अब ऐसे केस में इस पॉइंट को जाए तो ये हो गया, अब देन आफ्टर इस पॉइंट से जाए तो देन आफ्टर हम बात करेंगे किसका, द ड्रेन क्लीनर ड्रेन स्कीम। अब न्यूमेरिकल नंबर 5.6, राइट। सो 5.6 की न्यूमेरिकल की बात करूं मैं यहाँ पर,
तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। द ड्रेन क्लीनर ड्रेन एक्स कंटेन अ स्मॉल बिट ऑफ एल्युमिनियम विद रिएक्ट विद द कास्टिक सोडा टू प्रोड्यूस डाइहाइड्रोजन। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर विल बी रिलीज व्हेन 0.15 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट टू द कास्टिक सोडा। तो दो कंडीशंस यहाँ जनरेट हो रही हैं, मैं उनको आपको क्लियर करना चाहूँगा। तो इस न्यूमेरिकल के बाद अब बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5.6, एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सो मेंशन क्या किया जा रहा है, पहले तो हम एक रिएक्शन ऐड करेंगे, बैलेंस करेंगे, ट्वाइस Al नाउ रिएक्ट टू द ट्वाइस NaOH प्लस नाउ ट्वाइस H2O। एल्युमिनियम का बीट कास्टिक सोडा के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहा है कॉन्सेंट्रेट और प्रोड्यूस कर रहा है ट्वाइस NaAlO2 प्लस थ्राइस H2 डाइहाइड्रोजन गैस। और ये जो रिएक्शन हो रहा है मैं इसको कंसिडर कर लूँगा कि ये T1 टेम्परेचर पर हो रहा है जिसकी वैल्यू 273.15 केल्विन हमने कंसिडर की है। और जब रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है किस पर, 180 पर। वन बार क्लियर, तो वन बार प्रेशर पे हो रहा है, उस समय होने वाला वॉल्यूम क्या है हमें ये फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के हेल्प से। और फिर हम P2 सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये जो पॉइंट है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस, कि 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या वॉल्यूम निकलेगा। तो पहले रिएक्शन से हम V1 फाइंड करेंगे और एज वी नो दैट ये जो वैल्यू है वो 0 डिग्री सेल्सियस की है और 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ हम जानते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या T होता है, वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ बाई स्टाइकोमेट्री ऑफ द रिएक्शन, तो स्टाइकोमेट्री ऑफ रिएक्शन से जाए तो 2 Al मतलब 2 × 27 मीन्स टोटल हो गया क्या 54 ग्राम। नाउ 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द कास्टिक सोडा एंड नाउ प्रोड्यूस 3 × 22,400 ml वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। एट STP अगर बात करें तो STP पर 1 मोल, एट STP किसी भी गैस की 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर और 22,400 ml, तो 3 मोल गैस का क्या वॉल्यूम होगा लाइक दिस। सो नाउ 54 ग्राम Al प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ व्हाट इज हाइड्रोजन। सो देयरफॉर 0.15 ग्राम Al प्रोड्यूस व्हाट वॉल्यूम, वो हमें फाइंड करना, वही हमारा V1 बनेगा। तो V1 हम बात करें यहाँ पर तो V1 इज इक्वल टू व्हाट इज ऑब्टेन मीन्स 0.15 × 3 × 22,400 ml डिवाइडेड बाय 54। जब इस वैल्यू को हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे देन दैट टाइम हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी 186.7 ml, ये V1 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू हम जाएंगे कंबाइंड गैस इक्वेशन कि एट T1 टेम्परेचर में 0 डिग्री 273.15 केल्विन पर हमारा और प्रेशर है कितना 1 bar है, पर वॉल्यूम हमें जो मिला वो 186.7 ml मिला। सो देन व्हाट अ वॉल्यूम ऑफ गैस एट T2 पर क्या मिलेगा, और मैं इस पॉइंट को राइट कर दूं कि T2 पर जो वॉल्यूम हमें मिलने वाला है T2 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस है 273.15 केल्विन, मतलब यहाँ हो गया 293.15 केल्विन। और तब P2 हो गया 1 bar ही रखा मैंने और V2 हमें फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंबाइन गैस इक्वेशन जाएंगे तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2।
क्लियर। अब v2 फाइंड करना है, तो v2 इज इक्वल टू p1 v1 t2 by t2 into t1। अब इस सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम लोग, तो v2 इज इक्वल टू p1 की वैल्यू 1 है, v1 की वैल्यू है 186.7 into t2 293.15 केल्विन डिवाइडेड बाय p21 बार इनटू ये हो गया 273 केल्विन। सो इसका जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिलेगी 202.98 ml रादर 0.202 लीटर। दैट्स ऑल। सो वंस अगेन न्यूमेरिकल को रिमाइंड में करा दो स्टूडेंट आपको। न्यूमेरिकल नंबर 5.6 क्या मेंशन किया गया, द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन ए स्मॉल बिट ऑफ द एल्युमिनियम। बता रहे कि एक बिट है, छोटा सा पार्टिकल है एल्युमिनियम का जो कास्टिक सोडा से ड्रेनेक्स के अंदर रिएक्ट कर रहा है, राइट एट एसटीपी। तो यहाँ पर मेंशन क्या कर रहे हैं कि अगर 0. बात करूँ मैं यहाँ पर, तो अगर 0.15 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहा है कास्टिक सोडा से, तो क्या बनेगा वॉल्यूम ऑफ व्हाट इज हाइड्रोजन। तो पहले 273 जीरो पर हमने निकाला और फिर उसको 20 पे कन्वर्ट फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम। सो ये पॉइंट हो गया मीन्स न्यूमेरिकल नंबर 5.5 एंड 5.6। सो स्टूडेंट अब बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आफ्टर 5.6 5.9 एंड 5.10 दैट बेस्ड ऑन ना कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड आइडियल गैस इक्वेशन। So, a student, the density of the gas is found to be the 5.46 gram decimeter per decimeter cube at 27 degree Celsius at 2 bar pressure. So, what will be the density of the gas at STP, standard temperature pressure? So, first of all, हम दो condition यहाँ apply करेंगे। दो condition की apply करने की बात करें तो density of the gas is found to be the what is D1 दिया है यहाँ पर 5.46 gram per decimeter cube and देन आफ्टर टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस है जिसमें 273 है, हमने ऐड करके इसको कन्वर्ट कर दिया केल्विन में एंड देन दैट टाइम P1 प्रेशर इज गिवन एंड 2 बार। सो हमें फाइंड आउट करना है एट एसटीपी। एट एसटीपी अगर हम बात करें तो प्रेशर P1 होगा 1 बार एंड T2 की बात करें यहाँ पर तो ये हो गया 273 केल्विन। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पर D2 डेंसिटी। तो इन रिलेशन को देखकर ये चीज क्लियर हो जा रही है कि हम यहाँ पर ये दो फेज कैसे जनरेट करेंगे डेंसिटी और। तो डेंसिटी और प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन होता है जो निकलता है वो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम राइट करेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो राइट करेंगे P इज इक्वल टू डी आर टी बाई, ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया आइडियल गैस इक्वेशन में। अब हमारे पास P, D और T का रिलेशन है, तो इनिशियल कंडीशन पे हम राइट कर रहे हैं। तो एट D1 5.46 तो फॉर इनिशियल फेज तो हम राइट करेंगे यहाँ पर P1 इज इक्वल टू D1 आर T1 अपॉन मोलर मास। फाइनल राइट करें P2 D2 आर T2 बाय मोलर मास एंड देन दोनों के लिए यहाँ पर कॉमन चीज क्या है, R की वैल्यू M की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन बन गया आपको P1 इज इक्वल टू D1 T1 और दूसरा बन गया P2 इज इक्वल टू D2 T2। हमें फाइंड क्या करना है D2। तो अगर मैं इसको इक्वलाइज कर दूं तो D2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर इक्वलाइज कर दूं मैं यहाँ पर तो D2 इज इक्वल टू कंडीशंस क्या आएंगी, तो यहाँ राइट कर सकते हैं क्या D1 राइट। अगर इसको राइट करूं मैं D2 तो D2 को साइड लिया हमने, D2 को साइड लिया तो इक्वेशन क्या होगा लाइक स्वॉप कर देते हैं अपन, इक्वल टू होगा P2 अपॉन T2 और D1 इज इक्वल टू होगा P1 अपॉन T1।
अब इस इक्वेशन को अगर कंपेयर कर दें तो यहाँ राइट कर सकते हैं d2 इज इक्वल टू p2 अपॉन t2। क्लियर? तो t2 यहाँ पर अगर देखा जाए तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू फाइनली मिला क्या p1 t2 अपॉन t1 p2। अब d2 को फाइंड करना है तो हम राइट करेंगे d1 t1 p2 बाई p1 t2, दैट इज द फाइनल इक्वेशन। अब d2 इज इक्वल टू हम राइट करेंगे d2 इज इक्वल टू जो d1 की वैल्यू है कितनी है, अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो d1 हमारा है 5.46 इंटू t1 हो गया 300 केल्विन इंटू p2 हो गया 1, और यहाँ पर जाएंगे P21 हो गया P1 2 बार एंड T2 हो गया हमारा 273। फाइनली सॉल्यूशन के बाद आपको इसका आंसर 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आपको मिल जाएगा, दैट इज द फाइनल डेंसिटी मीन्स D2 एट STP। क्लियर? अब सेकेंड थिंग जा रहे हैं 5.10 के लिए। तो 5.10 की बात करूं मैं यहाँ पर तो 34.05 ml फास्फोरस वेपर वेग 0.0625 ग्राम एट 546 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ फास्फोरस, देखो इसलिए टेम्परेचर दिया है 546 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 ऐड कर दूं मैं तो 639741152781 केल्विन। प्रेशर दिया है 1 बार, स्टूडेंट ध्यान रखना टेक्सट बुक में 0.1 बार लिया है यहाँ पर, तो 0.1 बार को रॉन्ग है, 1 बार लेना है। अगर 0.1 बार लोगे तो भी कोई वांधा नहीं, आंसर तो मिलने वाला है, बट जो एक्चुअल वैल्यू होती है वहाँ पर देखा जाए। एंड देन मास देखें यहाँ पर तो ग्राम में दिया 0.0625 ग्राम। सो हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम दिया है 34.05 ml या इनटू क्या करेंगे इनटू 10^-3 लीटर। अब हमें फाइंड करना है मोलर मास, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू mRT/mV और m इज इक्वल टू mRT/pV। तो मोलर मास इज इक्वल टू मास कितना है 0.0625, R की वैल्यू 0.08314, टेम्परेचर 819 और डिवाइडेड बाय प्रेशर 1 बार इनटू वॉल्यूम जो बात करें यहाँ पर तो 34.05 × 10^-3 लीटर। सारे कैलकुलेशन के बाद आपको जो मोलर मास मिलेगा वो 124.7 अप्रॉक्स ग्राम पर मोल, दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गए, तो नोमेकल नंबर 5.9 एंड 5.10। सो पॉइंट बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के स्टूडेंट 5.12। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फॉर्मूला ऑफ गैस ना ऑक्यूपाई व्हाट इज 5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट 3.32 ग्राम बार प्रेशर। तो सिंपल से आइडियल गैस इक्वेशन से जाएंगे, पी वी इज इक्वल टू हम राइट करेंगे यहाँ पर जो वैल्यू है nRT, n की वैल्यू दिया है 4 मोल, राइट, आर की वैल्यू दी है 0.083 एंड वॉल्यूम हमारा दिया है यहाँ पर 5 डेसीमीटर क्यूब एंड प्रेशर दिया है 3.32 बार। अब हम राइट करेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करना हमें क्या टेम्परेचर, तो T इज इक्वल टू PV/nR। अब T प्रेशर हो गया 3.32 इंटू वॉल्यूम 5 डिवाइडेड बाई
फोर इंटू 0.083। टोटल कैलकुलेशन के बाद आपको जो वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली एग्जैक्ट आप वो है 50 केल्विन। सो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्टूडेंट जो आइडियल गैस इक्वेशन कंबाइंड गैस इक्वेशन से रिलेटेड थे उन सबको हमने फाइंड आउट किया, मोस्ट ऑफ हमने सॉल्व कर दिए हैं। और रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो अदर लॉ के बेस पर हैं या तो उनसे कनेक्टेड हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही पार्ट फाइव में। पार्ट सिक्स में हम मिलेंगे विद डेल्टा स्लैब पार्शियल प्रेशर उनके न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन के साथ एंड अदर हेडिंग जो बोर्ड से रिलेटेड हैं। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।